मध्य प्रदेश के देवास में भीषण सड़क हादसा हुआ है। शनिवार की देर शाम शिप्रा से नजदीक पुल पर डिवाइडर से टकराकर बस पलट गई। इस हादसे में 3 महिला यात्रियों की मौत हो गई है और करीबन 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 गंभीर घायलों को इंदौर रेफर किया गया है। इस हादसे के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया है। आसपास के लोगों ने बस को सीधा किया और कुछ यात्रियों को बाहर निकाला, जिसमें 3 की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। बाद में 100 डायल की पुलिस टीम पहुंचने पर घायलों को जिला अस्पताल लाया गया और भर्ती किया गया। जिला अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। जिला अस्पताल में एडीएम महेंद्र कपचे, एसडीएम प्रदीप सोनी, तहसीलदार राजकुमार हलदार, तहसीलदार पूनम तोमर, डीएसपी किरण शर्मा, सीएसपी विवेक सिंह चौहान मौजूद रहे। बाद में घायलों को देखने देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी व एसपी शिवदयाल सिंह पहुंचे। इस हादसे के बाद परिजन बिलख बिलख कर सांसद के सामने रो रहे थे, जिन्होंने परिजनों को सांत्वना दी। देवास एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने मौके पर पहुंचकर घायलों से चर्चा की है, जिसके बाद बस चालक कंडक्टर से पूछताछ कर जांच करने की बात कही गई है।